Subscribe and click the bell icon for television updates. तेरी हंडियाँ में पक जाऊँ मटन बन के, हाँ तेरे कुर्ते पे लग जाऊँ बटन ही टूट रही है सबसे। तेरे कुर्ते पे लग जाऊँ बटन बन के। इस लेवल पे लोग देखेंगे इतना उम्मीद नहीं थी। ये तो पता था कि भाभी जी को लेके एक चीज़ बन रही है तो देखेंगे तो ज़रूर, बट प्रोमो देख के ही लोगों के जो गज़ब के रिस्पॉन्स थे उससे ये लग रहा था कि शो अच्छा है। फेवरेट तो ये बताएंगे इनको, मैं तो कभी मुंह से निकल गई थी, कभी बाल खुल गए थे, कभी पैर में लुंगी फंस गई थी, ऐसे ही चलता रहता है। एक बार पहले सीन में लुंगी ऐसे फंस गई थी, मैं फंस के गिरा तो लुंगी खुल जाती थी मुझे बहुत। मैम ने पहला सीन जो मुझे बहुत यादगार रहा है कि तो होता ही है, आप हप्पू सिंह और मैं बैठ के एक गाना है तेरी हंडिया में जो मनोज जी ने बहुत ही प्यारा गाना लिखा है, तो वो मुझे बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मनोज सर ने वो खुद बहुत अच्छे सिंगर, इतने कमाल के राइटर, उतने अच्छे सिंगर हैं। नहीं फिर तो तुम्हारे गाने के अंदाज जो गाने का है ना, इसको देख देख के फिर और उन्होंने लिखा, क्योंकि ये गाते तो बड़े कमाल के। हप्पू सिंह के एक्सप्रेशन बड़े कमाल के थे, गा मैं रही थी और चेहरे पे भाव इनके आ रहे थे बहुत, तो वो मेरे लिए बहुत यादगार रहा है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने अभी तक देखा है उससे भी ज़्यादा अभी उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। तो अभी उनको घर के ही आम मुद्दे रहेंगे, चीज़ यही रहेगी, लेकिन इसमें भी काफ़ी उनको वैरायटी देखने को मिलेगी। तो यही दुआ है कि भाई उनका जैसा अभी तक प्यार मिलता रहा है, ऐसे यादें भी बनाए रखें। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से अच्छी स्टोरीज़ हर आधे घंटे की देखने को मिले। सेम कि अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी ये सिर्फ एक पहलू देखा है आपने, ऐसे बहुत सारे पहलू बाकी हैं जो आपके सामने आएंगे। तो आप ऐसे ही कहते हैं दिल खोल के अपना प्यार बरसाते रहिए, बहुत कुछ है कहते हैं इस घड़े में, बहुत कुछ है जो कि निकलेगा बूंद बूंद करके और रिसेगा। तो बहुत कुछ एक्सप्लोर, बहुत कमाल के बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं सब अपने आप में अनोखे हैं। तो हर कुछ में कहते हैं बच्चे पे भी कोई कहानी आती है, तो हर फैमिली के बनेंगे। हप्पू सिंह खुद में इतना बड़ा किरदार है, वो अपनी फैमिली के साथ कैसे रहता है। तो जब नई नई स्टोरी शशांक सर, मनोज जी, जब पूरे हर्षदा मैम सब मिलकर नई नई कहानी बनाते हैं, तो हम नेक्स्ट स्टोरी, अच्छा नेक्स्ट स्टोरी क्या आई है, हम में इतनी एनर्जी रहती है। जब कुछ फैंस के मैसेजेस आते हैं तो और हमें बहुत ताकत मिलती है। तो अब बहुत कुछ है देखने को, हम और बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम भी कुछ नया नया सीखना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ नया नया एलिमेंट्स डालते रहते हैं। तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ आप देखेंगे आने वाले समय में, तो देखते रहिए। जब शो मुझे बताया था सर ने कि तुम्हारे नाम से एक शो बन गया है उल्टन पलटन एक कैरेक्टर को लेके पहली बार, तो तब से ही मैं तो अपना सेट भी यहीं भाभी जी करता था और बीच बीच में देखने आता था बीच में कितना बन गया, कब से शूट होगा। क्योंकि मुझे ये उन्होंने जब बताया कि तुम्हें भाभी जी से काफ़ी कुछ अलग करने को यहाँ मिलेगा, वहाँ तो फिर भी एक लिमिट में आदमी आता है जाता है बस घर के बाहर और भाभीियों के साथ, तो ये सबके साथ कैसा दरोगा होगा वो तो थी ही। लेकिन एक साल में जैसा आपने अभी सवाल किया, ये सच बात है कि इतना अच्छा गज़ब का रिस्पॉन्स लोगों का आया, तो और ज़्यादा अभी एक्साइटमेंट है और अभी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ और आएंगी जिससे लोग बहुत इन्जॉय करेंगे।
एक साल कंप्लीट हो गया है, तो यही बोलेंगे कि हम तो बहुत खुश हैं। और आज के ज़माने में जहाँ टीवी सीरियल सिर्फ 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने में बंद हो जाते हैं, 1 साल हो गया है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमने तो बड़ा इन्जॉय किया और लगता है दर्शकों ने भी बड़ा इन्जॉय किया हप्पू की उल्टन पलटन, कि आज हमको 1 साल हो गए हैं और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने 1 साल तक हमें अपना प्यार दिया और आगे भी इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन्स हमारी पूरी टीम को, और आप सबके प्यार की वजह से हम लोगों ने आज पूरा 1 साल कंप्लीट कर लिया। मुझे नहीं पता था कि हमारा प्यार को आज 1 साल कंप्लीट हो गया, मैं इतनी खुश हूँ। और संजय, 1 साल नहीं, ऐसे 10 साल भी हमारा प्यार ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही आप देखते रहिए हप्पू की उल्टन पलटन। बाकी कमाल की एक्ट्रेस हैं और सब कमाल के एक्टर हैं, को एक्टर एक्टर सब बहुत अच्छे हैं, मैम सब कुछ ऐसे ही हंसाते रहेंगे। बाकी आप देखते रहिए, कोई भी सवाल जवाब है इंस्टा पे पूछिए, DM करिए, हम जवाब देंगे।